जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन और इसकी एक्सरसाइज में मौजूद तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये टोटल 12 क्वेश्चन हैं। सो इट्स अ जर्नी ऑफ अ बिग क्वेश्चन। और उसके बाद फिर ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, ये 5 हैं। तो इन तमाम सवालात के जो है हम जवाबात की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन जो किया जा रहा है वो है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द लैक ऑफ नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम आयंस इन द प्लांट ग्रोथ। यानी कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर लैक का मतलब होता है कम होना, नाइट्रेट आयन या मैग्नीशियम आयन कम हो जाएंगे तो उससे प्लांट की जो अफजाइश है, ग्रोथ है, उसको क्या नुकसान पहुंचेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना इन्होंने नाइट्रेट लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन का जो जरिया होता है वो नाइट्रेट होता है। तो लिहाजा अगर आप नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप कह लें कि आप नाइट्रेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सो पौधा जो है ना वो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट अपनी बॉडी में लेके जाता है। तो लिहाजा नाइट्रेट के बारे में अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आप नाइट्रोजन के बारे में भी लिख देंगे तो दैट इज नॉट रॉन्ग। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास का जवाब, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे या कह लें रोल ऑफ नाइट्रेट। ठीक है जी, रोल ऑफ नाइट्रेट कह लें। तो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स की शक्ल में हासिल करती है। सो नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन, एंजाइम्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट लाइफ। So nitrogen metabolism is the major factor in the stem and the leaf growth. और उसके बाद नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, टू मच नाइट्रोजन कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो फिर फ्लावरिंग जो है वो पौधों को नहीं होगी और फ्रूटनिंग भी नहीं होगी। सो डेफिशिएंसीज ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस यील्ड्स, कॉज येलोइंग ऑफ द लीव्स एंड स्टंट ग्रोथ। और ज़्यादा नाइट्रोजन कम हो जाएगी तो फिर आपको पत्ते येलो होते हुए नजर आएंगे और स्टंट ग्रोथ यानी कि ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। सो बात करते हैं मैग्नीशियम के किरदार की, कि मैग्नीशियम क्या किरदार अदा करता है पौधों में। तो मैग्नीशियम इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड फैट्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन इन द formation and essential for the germination of seeds. So deficiency of magnesium causes yellowing and wilting of the leaves. यानी ये मैग्नीशियम की कमी से भी पत्ते येलो होंगे और विल्ट करेंगे यानी मुरझा जाएंगे, और ये जर्मिनेशन में काम दे रहा है, ये फ्रूट के नट बनाने में हेल्प कर रहा है। और इसके अलावा ये बहुत से मुख्तलिफ जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट्स, इनमें मैग्नीशियम ज़रूरी होता है और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इनमें मैग्नीशियम चाहिए। और क्लोरोफिल कह लें कि उसमें मैग्नीशियम चाहिए। अगर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नहीं होगा तो आई थिंक सो क्लोरोफिल अपना काम ही नहीं कर सकेगी। याद रखें, क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम ही होता है। सेकंड क्वेश्चन है जी, हाउ आर द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में कैसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या क्या शामिल होगा, यानी जो पौधों को हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं उनमें रॉक, फॉस्फेट का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, PO4-3 फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर, जिप्सम, एंड दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड। ये मॉडिफाइड नहीं है, ऐसे ही होते हैं जिस तरह आपको नजर आ रहा है, जमीन से मिलते हैं हमें। सो इफ नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। और इनमें अगर नाइट्रोजन मेन एलिमेंट हो किसी हद तक तो आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कह सकते हो, या ये एलिमेंट यही फॉस्फोरस हासिल करना हो तो रॉक फॉस्फेट ले लेते हैं। अगर सल्फर हासिल करना हो तो एलिमेंटल सल्फर पौधों को मिल जाता है, और जिप्सम वगैरह से कैल्शियम वगैरह मिलता है। और अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ले लोगे तो उससे नाइट्रोजन हासिल होगा पौधों को। सो ये सब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। सो मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व रिलीडली इन वाटर, यानी बहुत जल्दी से ये पानी में मिक्स हो जाते हैं, एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर अपटेक। और फिर बड़ी जल्दी से इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं, यानी इन प्लांट्स इनको ऊपर अपने अंदर ले जाए और अपने जो सेल के फंक्शन है वो प्रॉपरली कर सके, या पौधे के जो भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो भी काम है वो कर सके। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। Organic fertilizers are derived from plants and animals materials. यानी प्लांट्स, मरे हुए पौधे या कोई जानवरों का डंग वगैरह जो गोबर शोबर होता है, वहां से आप इनको हासिल करते हो। सो दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट and take time to broken down the form of usable by plants. यानी ये कुछ complex भी होते हैं, उनको टूटने फूटने के लिए भी time required होता है. यहाँ ये inorganic जल्दी से पौधे में चले जाते हैं तो उनको कुछ time required होता है और फिर ये पौधे इनको जो है वो यूज कर सकते हैं. जैसे गोबर वगैरह आप डाल दें तो वो एकदम आपकी क्यारी से गायब नहीं होगा, वो बहुत टाइम लेगा और क्यारी में रहेगा. तो मैन्योर यही है, मैन्योर ये जो गोबर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ. और कंपोस्ट, ये जो पत्तों का सारा गंद इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जमीन में दबा दें और फिर वो ऑर्गेनिक मैटर निकलेगा, उसको आप कंपोस्ट कहेंगे. सो मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. सो दे कैन ऑल्सो इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज. ये सॉइल ड्रेनेज को बढ़ा सकते हैं, एरेशन हवा को बढ़ा सकते हैं. यानी अगर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिट्टी में आ जाएंगे तो मिट्टी में हवा ज़्यादा एब्जॉर्ब होती रहेगी. ये एक अच्छी चीज़ होती है पौधों के लिए. एंड एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह होल्ड करने की भी सलाहियत सॉइल में ज़्यादा हो जाती है. यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अगर मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी की जरखेजियत बढ़ जाती है, यानी फर्टिलिटी बढ़ जाती है. सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ अ टेबल दैट कैन शो द सोर्सेज, एनर्जी वैल्यूज एंड फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. तो हमें एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें हम बताएंगे कि सोर्सेज हमें पता लगें, ज़राए पता लगें, एनर्जी वैल्यूज उनकी, उनसे क्या एनर्जी हासिल की जा सकती है, एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, और प्रोटीन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शन है. स्टूडेंट्स आपको हम यहाँ बता देंगे कि क्या मतलब टेबल वगैरह बनाए बगैर ही पैराग्राफिंग में बता देंगे कि कौन से ज़राए हैं जहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और इनकी एनर्जी वैल्यूज क्या है ये भी आपको बता देंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ देखें, मतलब ये एक बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी आपको जब ताकत चाहिए होती है तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स ही आपको देते हैं ताकत. चीनी वगैरह आप जूस वगैरह जो पीते हैं सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. रोटी खाते हैं इसमें काफ़ी हद तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मैदे में. और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आप मीठे की शक्ल में लेते हैं, अभी बताया चीनी की शक्ल में. और इनकी जो एनर्जी वैल्यूज़ हैं वो ये हैं कि अबाउट 1/2 to 2/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम डेली फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स. यानी जो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हासिल की जाती है वो कार्बोहाइड्रेट्स. यानी तीनों, अगर आप में से लेट्स से टोटल 3 एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, उसमें से 2 एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ली जा रही हैं. So that makes an idea. और ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनर्जी. यानी ग्लूकोज को आप यूज़ करते हो यानी एज अ एनर्जी. तो अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट और माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये भी कुछ नाम बता रहे हैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के जो कि इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं. उसके बाद ये बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज. जब एनर्जी वैल्यूज़ की वो बात कर रहा था तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम आपको मिलते हैं. यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लेने से आपको 4 किलो कैलोरीज तक एनर्जी मिल जाती है. सो ह्यूमन गेट्स कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फूड लाइक ब्रेड, पास्ताज, बीन्स, पोटैटोज, ब्रान, राइस एंड सीरियल्स. यानी ये सब वो ज़राए हैं, सोर्सेज हैं. ये स्पेसिफिकली क्या है, सारे सोर्सेज. उसने सवाल किया था कि सोर्सेज भी आपने बताने हैं, तो ये सोर्सेज हैं जहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, फैट्स या लिपिड्स की तरफ. स्टूडेंट्स लिपिड्स को हम जो है वो फैट्स भी कहते हैं. अब आप सब स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि लिपिड्स को आप फैट्स भी कह सकते हैं. सो द लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल्स. द फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. यानी जो फैट्स हैं वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं. अनसैचुरेट का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले और सैचुरेट का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले. सो सैचुरेटेड की पहले बात कर लेते हैं. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी सैचुरेटेड फैट्स हैव ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम. जैसे कि बताया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ होता है. सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. और कुछ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको जब नजर आएंगे तो वो अनसैचुरेटेड में नजर आएंगे. सो जनरली द लिपिड्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जनरली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो आपको अमूमन सॉलिड नजर आएंगे, जैसे आपको चर्बी वगैरह और घी वगैरह नजर आता है. तो ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. इसके अलावा अगर हम बात करें तो द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो अनसेचुरेटेड होंगे वो आपको लिक्विड नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल बटर कंटेन्स नियरली 70% एंड 30% अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी 70% जो बटर मक्खन होता है उसमें 70% आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेंगे और 30% आपको अनसेचुरेटेड मिलेंगे। इसके अलावा आपने सनफ्लावर ऑयल देखा होगा मार्केट्स में या आपके घरों में इस्तेमाल होता होगा। सो ऑन द अदर हैंड कंटेन नियरली 75% ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी इसमें भी सनफ्लावर ऑयल में भी 75% तक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स तक होते हैं। सो उसके बाद अगर हम बात करें मजीद तो लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं सब लिपिड्स की बनी हुई होती हैं, मतलब अब इनके क्या फंक्शन है, कहाँ पे यूज हो रही हैं। सो एंड द शीट्स सराउंडिंग द न्यूरॉन्स, और जो न्यूरॉन की कवरिंग्स हैं आप कह लो वो भी लिपिड्स की बनी होती हैं। एंड द सर्टेन हार्मोन्स, और जो हार्मोन्स होते हैं वो भी बने हुए होते हैं लिपिड्स के। स्टूडेंट्स इसके अलावा लिपिड्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एनर्जी सोर्सेज, यानी आप कह लो कि एनर्जी हासिल करने के लिए भी लिपिड्स बेहतरीन जराए हैं। और अभी हम एनर्जी कैलकुलेशंस की बात करते हैं, तो 1 ग्राम अगर आपके पास लिपिड है तो उसमें 9 किलो कैलोरीज आपके पास एनर्जी है। आपने याद रखें पीछे पढ़ा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज थी और इसमें ज्यादा है, इसमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी है। और वहां पे सोर्सेज भी आपने पढ़े थे, अब यहाँ पर भी हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं। सो जो लिपिड के सोर्सेज होते हैं, आप दूध पिए उसमें लिपिड्स हैं, मक्खन खाएं उसमें लिपिड्स हैं, चीज खाएं उसमें लिपिड, अंडे खाएं लिपिड्स हैं, मटन क्या होता है, किसका गोश्त होता है मटन, मेरे ख्याल में बकरे का गोश्त जो है मटन होता है और गाय का गोश्त जो है वो बीफ होता है। सो फिश जो है आपको पता है आप खाते हैं फिश भी, इसमें भी आपको लिपिड्स मिलते हैं। मस्टर्ड सीड्स क्या होंगे, मस्टर्ड सीड्स होते हैं ये सरसों के जो सीड्स होते हैं इनको मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। कोकोनट का तो पता ही होगा आपको, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मूंगफली वगैरह आप खाते हैं इनमें भी काफ़ी हद तक लिपिड्स होते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले टारगेट की तरफ जो कि प्रोटीन्स है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रोटीन्स की, कुछ एनर्जी वैल्यूज की या फिर सोर्सेज की और कुछ इसकी बात कर लेते हैं कि प्रोटीन्स किस हद तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन्स आर कंपाउंड ऑफ अमाइनो एसिड्स, याद रखिएगा तकरीबन कोई 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाते हैं। जिस तरह ये ईंटों ने जो है ये बिल्डिंग बनाई है, तो इस तरह ही समझ लें कि जो प्रोटीन्स हैं उनको अमाइनो एसिड्स ने बनाया है। प्रोटीन आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो प्रोटीन होते हैं वो साइटोप्लाज्म का एक बहुत जरूरी जुज्व होते हैं। सो मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलीज, और मेम्ब्रेन्स का और ऑर्गेनेलीज का भी हिस्सा होते हैं प्रोटीन, यानी प्रोटीन आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, प्रोटीन आपको मेम्ब्रेन्स में मिलेंगे और प्रोटीन आपको ऑर्गेनेलीज में भी मिलेंगे। सो दे आर ऑल्सो द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द मसल्स, और ये मसल्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स के, टेंडन्स के। सो वी यूज प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, और हम प्रोटीन्स को ग्रोथ करने के लिए, लिगामेंट्स आपके जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले धागे हैं इनको हम लिगामेंट्स कहते हैं, टेंडन्स आपके गोश्त और हड्डियों को जोड़ने वाले धागे हैं इनको हम टेंडन्स कहते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। आपके जिसम में जितना भी गोश्त है, जो मसल्स हैं, ये सब के सब प्रोटीन्स हैं। मायोग्लोबिन प्रोटीन इसके अंदर नाम है जो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल इन एंजाइम्स, यानी आपकी बॉडी आपके सेल में बहुत से एंजाइम्स हैं और ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं ये क्या है, प्रोटीन्स है। सो प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और मजे की बात ये इंटरकन्वर्टेबल है, यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बन सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स बन सकते हैं, ये भी हमारी बॉडी ये काम कर सकती है। आप बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे तो आप में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे होते हो वो चर्बी बनती चली जाती है, आप में चर्बी का इजाफा हो जाता है। सो प्रोटीन्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गेनिंग एनर्जी, और प्रोटीन्स को भी आप यूज कर सकते हो फॉर गेनिंग एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, यानी इसकी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी के बराबर है। उसकी भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज थी, इसकी भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज हैं, जबकि हमने देखा लिपिड्स में जो थी 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज थी। उसके बाद डाइटरी सोर्सेज की बात करें, मतलब अब कहाँ से प्रोटीन्स मिलते हैं हमें, तो आप मीट खा लो, ठीक है, एग्स खा लो, ग्रेन्स खा लो, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स होते हैं ये कोई जड़ें होती हैं, आप कभी कभी कुछ से मूंगफली वगैरह भी कह लो किसी हद तक लेग्यूमिनस किस्म का ही होता है, क्योंकि मूंगफली भी अंडर द सॉयल लगती है। एंड डेयरी प्रोडक्ट से भी आपको प्रोटीन मिलेंगे, मिल्क एंड चीज वगैरह। सो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, हाउ आर वाइटामिन ए सी एंड डी इंपॉर्टेंट इन आर डाइट्स, यानी अगर हमारी डाइट्स में वाइटामिन ए है, सी है, डी है, तो ये जरूरी कैसे है ओके स्टूडेंट्स, अगर हम विटामिन ए की पहले बात कर लेते हैं, विटामिन ए की, तो इसमें ये बता रहे हैं कि कहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है। तो ये लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, यानी बहुत से ऐसे वेजिटेबल्स जो कि लीफ कंटेनिंग होते हैं, जैसे स्पिनच। स्पिनच क्या होती है? पालक को कहते हैं स्पिनच। एंड कैरेट्स क्या होती हैं? हाँ जी, गाजरों को हम कैरेट्स कहते हैं। एंड येलो फ्रूट्स, यानी बहुत से फ्रूट जो कि येलोएशन होते हैं नेचर। और फिश, लिवर, लिवर समझते हैं, जिगर को कहते हैं, कलेजे को कहते हैं। एग, मिल्क एंड बटर, ये सब चीजें वो जरिए हैं जहां से विटामिन ए आपको मिलता है। तो इसका क्या फंक्शन होता है? विजन इन डिम लाइट, यानी जो कम रोशनी होती है तो आपने तब भी देखना होता है, तो लिहाजा डिम लाइट में आपको अगर ठीक से नजर आ रहा है, समझ लें आप में विटामिन ए ठीक मिकदार में है। सो सेल डिफरेंशिएशन, यानी सेल जब बड़े होते हैं माइटोसिस कर लेते हैं, मियोसिस कर लेते हैं, तो उन्होंने लहदा होना होता है। अगर विटामिन ना हो तो सेल की डिवीजन नहीं हो सकती, तो लिहाजा सेल डिवीजन में विटामिन का बड़ा किरदार है। और ग्रोथ, आपने बड़ा होना है तो आपको विटामिन चाहिए, स्पेशली विटामिन ए भी चाहिए, यानी आपके सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें विटामिन ए का किरदार है। इसके अलावा इम्यूनिटी, यानी आपकी क़ुव्वत मदाफ़त, आपकी क़ुव्वत मदाफ़त में भी विटामिन का किरदार है। उसके बाद पुअर ग्रोथ, अगर आपको नहीं मिलेगा विटामिन ए, आपकी ग्रोथ पुअर हो जाएगी, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। और इसके अलावा आपकी स्किन भी ड्राई रह सकती है। अगर आपकी स्किन बहुत खुश्क रहती है, समझ लें कि आपकी अंदर विटामिन ए की कमी है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट विटामिन की, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी आपको मिलेगा सिट्रस फ्रूट्स में से, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में से, बीफ में से, लिवर में से आपको मिलेगा। और ये कोलाजन फॉर्मेशन बनाएगा। ये कोलाजन एक प्रोटीन होता है जो आपकी स्किन वगैरह में बहुत ज्यादा होता है, आपकी स्किन बनाता है और इवन को आपको हड्डियां बनाता है। मतलब कोलाजन इज अ प्रोटीन जो कि रिक्वायर्ड है, और वो विटामिन सी की मदद से बनता है। एंड हीलिंग, ये हीडिंग नहीं है, हीलिंग है, एल लगा लें यहाँ पे। सो हीलिंग और वुंड्स, यानी आपके जख्मों को, वुंड जख्म होते हैं, आपके हील करता है, यानी ठीक करता है। फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, और आपके इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है। इसमें स्कर्वी, स्किन की बीमारी होती है, इसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वाइट वाइट धब्बे से पड़ जाते हैं उस पर, स्कर्वी स्किन की बीमारी है। सो फटीग हो जाती है, यानी आपके जो मसल्स हैं वो काम नहीं करते, क्रैम्प्स डल जाते हैं, खलियाँ डल जाती हैं। एंड पुअर वुंड हीलिंग, यानी आपके जख्म तो ठीक होते हैं लेकिन अच्छे तरीके से ठीक नहीं होते, टाइम लेते हैं। ब्लीडिंग गम्स, यानी आपके दांतों के जो मसूड़े हैं वो, उनमें से खून आता है बहुत ज़्यादा, और जॉइंट्स में भी आपके खून आता है या दर्द होता है आपको। सो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा आपको? फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर, सिंथेसाइज्ड बाय स्किन, और आपकी स्किन भी खुद बना लेती है इसको। धूप में जब आप जाते हैं अपनी स्किन को लेके तो विटामिन डी स्किन खुद बना लेती है। So maintenance of the concentrations of calcium and phosphorus, आपके अंदर विटामिन डी से क्या होता है? कैल्शियम बैलेंस रहता है, फॉस्फोरस बैलेंस रहता है, आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। और अगर आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा तो क्या मसले होंगे? आपको रिकेट्स की बीमारी होगी, यानी आपकी हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी और बड़ा मसाइल होंगे आपको, और बच्चों में अमूमन ये हो भी जाता है ऐसा। और ऑस्टियोमलेशिया, यानी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, खुरदरी सी हो जाएंगी, सुराखदार हो जाएंगी, और ये बड़ों में बीमारी हो जाती है। तो विटामिन डी बड़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी सबके लिए, मतलब विटामिन जो है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फूड कंटेन्स कैल्शियम एंड आयरन एंड व्हाट रोल दीज मिनरल प्ले इन आवर बॉडीज। ठीक है, ये आर होगा। तो अगर हम बात करें रोल ऑफ कैल्शियम और आयरन की, सबसे पहले रोल ऑफ कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ, यानी कैल्शियम जो है वो बोन और टीथ की डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यूज, यानी आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके लिए चाहिए। कनेक्टिव टिश्यूज में आपकी बोन आ जाती है, ब्लड आ जाता है, एडिपोज टिश्यूज आ जाते हैं, तो इनकी अंदर भी रिक्वायर्ड है। एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स, और एंजाइम्स के काम करने के लिए कैल्शियम ऑल्सो एड्स इन ब्लड क्लॉटिंग, आपके जो ब्लड खून जमता है इसमें भी आपकी ये हेल्प कर रहा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमंस गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, चीज, एग, यॉग, बीन्स, नट, कैबेज, यानी जो ह्यूमंस हैं वो कैल्शियम कहाँ से हासिल करते हैं? वो दूध से हासिल कर लेते हैं, चीज से हासिल कर लेते हैं, अंडों से हासिल कर लेते हैं, अंडों के यॉग से हासिल कर लेते हैं, बीन्स से हासिल कर लेते हैं, नट से, कैबेज से। और अगर आपको डेफिशिएंसी हो जाती है, लेट्स से दैट कि आपको डेफिशिएंसी हो गई, आपको कैल्शियम की कमी हो गई, तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस आपके जो नर्व इम्पल्सेस यानी आपके जो हाथ हैं वो वाइब्रेट करते रहेंगे, आप हिलते रहेंगे, इसका मतलब है आप में कैल्शियम की कमी है, विच में रिजल्ट इन द टेटने। और अगर आपके कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो आपके मसल्स जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएंगे, तो इस बीमारी को टेटने कहते हैं, यानी मसल्स लॉक हो जाएंगे आपके। जिस तरह एक मुर्दा होता है वो अपने मसल्स को नहीं हिला सकता, ऐसी कंडीशन को टेटने कहते हैं। और ये भी टेटने के बाद डेथ ही होती है। सो बोन्स ऑल्सो बिकम सॉफ्ट, और आपकी हड्डियां भी सॉफ्ट हो जाएंगी। ब्लड क्लॉट स्लोली, आपका ब्लड स्लोली क्लॉट करेगा, एंड वुंड्स हील स्लोली, और आपके जख्म भी जो हैं वो बहुत स्लोली मतलब सही होंगे। सो ये भी एक नुकसान होगा। तो ये था कैल्शियम के रोल, और आप इसको वीडियो को 2 मिनट पीछे करके दोबारा ये सुन सकते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए। उसके हम बात करते हैं रोल ऑफ आयरन की, यानी आयरन का जो है वो रोल क्या है। सो आयरन प्लेज द मेजर रोल इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, यानी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए और स्टोरेज के लिए ऑक्सीजन का बड़ा रोल है। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो हमारे रेड ब्लड सेल में एक प्रोटीन है उसके अंदर इसका किरदार है, और मायोग्लोबिन इन मसल्स, ये जो हमारे मसल्स के अंदर एक प्रोटीन है मायोग्लोबिन, इसमें भी आयरन चाहिए होता है। सो सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स आयरन, यानी जो हमारे सेल में जो एनर्जी बन रही होती है उसमें भी आयरन रिक्वायर्ड होता है। इट एक्ट्स एज को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये को फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है बहुत से एंजाइम्स के लिए। आयरन ऑल्सो सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, आयरन जो है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। ह्यूमन गेट्स आयरन फ्रॉम रेड मीट, आपको ये लाल गोश्त जो होते हैं इससे आपको आयरन मिलेगा। एग यॉक से मिलेगा। होल व्हीट, यानी आपको अगर सारा का सारा आप आटा मतलब पसवाते हैं गंदम का प्योर, तो वहाँ से मिलेगा। फिश आपको मछली से मिलेगा। स्पेनिश आपको पालक से मिलेगा। मस्टर्ड आपको सरसों से मिलेगा। तो ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद ये बात करते हैं जी आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। आयरन की डेफिशिएंसी अमूमन एक वर्ल्ड वाइड डेफिशिएंसी समझी जाती है। आयरन डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया, और आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, और जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो आपको एक कंडीशन होगी जिसको हम एनीमिया कहेंगे। राइट जी, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं 6ठे क्वेश्चन की। वाई आर वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन आर डाइट्स, यानी जो वाटर है और डाइटरी फाइबर्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी डाइट में। तो पहले जो है वाटर की बात कर लेते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ वाटर, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो 60% हिस्सा है वो वाटर का बना हुआ है। सो नियरली ऑल द लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एन एक्वस वाटरी एनवायरनमेंट, यानी जितने भी लाइफ में रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें आपको वाटर रिक्वायर्ड है। वाटर ऑल्सो फंक्शंस एज द एनवायरनमेंट इन विच वाटर सोल्यूबल फूड स्टफ इज एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन एंड द वेस्ट, ये वेस्ट होगा लव्स, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड इन यूरिन। और यू कैन से कि जो वाटर है वो ऐसे फंक्शन करता है हमारे माहौल में कि जो वाटर सॉल्यूबल फूड स्टफ है, यानी ऐसा फूड स्टफ जो पानी में सॉल्यूबल हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे पेट में, और वाटर में सॉल्यूबल भी होता है, तो वाटर से फिर वो वेस्ट आउट भी कर दिया जाता है, यानी वाटर उसको बाहर निकाल दिया जाता है और वो यूरिन की शक्ल में बाहर आ जाता है। तो वाटर यहाँ पर भी हमारी हेल्प कर रहा है। सो अनदर एसेंशियल रोल ऑफ वाटर इज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, पानी जो है हमारे जिस्म का एक दर्जा हरारत है उसको बरकरार रखता है थ्रू एवेपरेशन एंड स्वेटिंग, और एवेपरेशन और स्वेटिंग करवा के। सो एवेपरेशन ही होता है पानी का बॉडी से उड़ जाना, एवेपरेशन कहलाता है, और स्वेटिंग भी आपको पता है पसीना वगैरह आना। सो स्वेयर डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स, अगर आपको बहुत डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो गई है, तो अगर आप में पानी की कमी हो जाती है तो आपको कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स होंगे, यानी आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं। यानी पानी की कमी में आपको पता खून में 70 से 60% पानी है, 65% पानी है, तो अगर खून में पानी नहीं रहेगा तो खून तो पंप होना है ना पूरी बॉडी में, तो आपको तो दिल बंद हो जाएगा, तो लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये नेक्स्ट बता रहे हैं आपको कि द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज 2 लीटर्स पर डे, यानी कम से कम आपको 2 लीटर पानी एक एडल्ट को पीना चाहिए, और बच्चों को और आपको मतलब कोई 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। जिस तरह जो वीडियो सुन रहे हैं आपको भी 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेली वाटर इनटेक आर नेचुरल वाटर, यानी आप जो भी कुदरती पानी मिलता है वो पिए, फिल्टर वाटर मत पिए, ये अच्छा नहीं होता। फिल्टर वाटर मतलब ये जो कंपनियां लेके जाती हैं जो जीरो वाटर करके दोबारा सॉल्ट खुद से डालती हैं। अभी फिल्टर से जो पानी आ रहा है मतलब ये जो फिल्टर लगे हुए हैं ये वाला पानी किसी हद तक आप पी सकते हैं। कुएं का पानी पिए, दूध पिए, आप दूध से बहुत पानी मिलता है। जूसी फ्रूट्स खाएं, इनसे पानी मिलेगा आपको, और वेजिटेबल्स वगैरह आप ले सकते हैं, इनसे इनमें भी काफ़ी पानी होता है। तो अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। स्टूडेंट्स डाइटरी फाइबर्स की अगर हम बात करें तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स को आप रफेज भी कहते हैं, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स को आप रफेज भी कहते हैं। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फूड दैट इज इनडाइजेस्टेबल, और ये ऐसा हिस्सा है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मतलब डाइटरी फाइबर जो है समटाइम्स ये डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन ये डाइजेस्ट तो नहीं होता लेकिन ये आपकी डाइजेशन में हेल्प जरूर करता है। जैसे बेलचा है वो खड्डा तो नहीं खुद होता लेकिन खड्डा करने में तो हेल्प करता है ना। So it is found only in the plant foods and moves undigested through the stomach and small intestine and into the colon। colon आपके large intestine का हिस्सा है, यानी आपको ये बता रहे हैं कि आपके पेट में से कैसे ये डाइटरी फाइबर गुजरता है, कहाँ से गुजरता है। पहले ये आपके स्टमक में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन में होता है। फिर टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स कितने हैं? दो किस्म के स्टूडेंट्स से डाइटरी फाइबर्स होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। द इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल वन, इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल का मतलब है जो पानी में हल नहीं होते, और सोल्यूबल का मतलब जो पानी में हल हो जाते हैं। सो द इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स ट्रेवल्स क्विकली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो आपके पेट से जो है वो जल्दी से गुजर जाते हैं। तो इनसोल्यूबल जो हैं ये ऐसे हैं जो कि पानी में आपको बताया कि हल हो जाते हैं। सो इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर ट्रेवल क्विकली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और डेफिनेटली जो पानी में हल हो जाते हैं वो बॉडी में जल्दी मूव कर सकते हैं। सो सोर्सेज मतलब इनसोल्यूबल आपको कहाँ से मिलेंगे डाइटरी फाइबर्स, जैसे कि बताया इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये आपको व्हीट ब्रान यानी जो छाछ होती है, जैसे आटा जब छान लेते हैं उसमें थोड़ी सी छाछ निकलती है, ब्राउन ब्राउन कलर से छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो फेंकने नहीं चाहिए, वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वो आटे में डाल के खाने चाहिए। तो अमूमन क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है उनको फेंक देते हैं, स्टूडेंट्स कह रहा हूँ जो आपके पेरेंट्स होते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सीरियल, दालें खाएं, दालों में बहुत डाइटरी फाइबर्स होते हैं, स्पेशली इनसोल्यूबल यानी जो पानी में हल नहीं होते। और इसके अलावा स्किन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फिर आते हैं सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स, यानी जो ऐसे डाइटरी फाइबर्स विच ब्रेक डाउन एंड पासिस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और इनसोल्यूबल में क्या होता है, डाइटरी ट्रेवल क्विकली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये दोनों में एक फ़र्क है। सो सोर्सेज क्या हैं इनकी भी सोल्यूबल की, ठीक है। सोल्यूबल में आपको ओट, ये जो आप कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, ओट इसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा बीन्स, बीन्स ये जो होता है लोबिया शोबिया होता है, जो बारले ये दालें या बाजरा वगैरह, और मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी आपको डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। लिहाजा ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपकी डाइट जो है वो अच्छी रहेगी। तो मैं यहाँ पर आपको फंक्शन भी बताना चाहूँगा डाइटरी फाइबर्स का, कि आखिर डाइटरी फाइबर्स का जो है ये क्या फंक्शन होता है, ठीक है। सो फंक्शन ये होता है कि फाइबर्स प्रिवेंट्स द रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन मसल्स, यानी आपकी ये कम कर देता है, रिलीफ करता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके ये कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है जो इंटेस्टाइन के मसल्स होते हैं। आपने देखा होगा खाली पेट आपके जो मसल्स होते हैं वो हिल रहे होते हैं, पेट हिल रहा होता है आपका, तो यानी आपके जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं। और अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन, और आपकी ये कब्ज रोकेगा डेफिनेटली, भी बताया आपको। सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज, और कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ मैनी डिजीजेस, कॉन्स्टिपेशन होने के बाद बहुत बीमारियां होती हैं। तो लिहाजा अगर कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगी तो और भी बहुत सी बीमारियां जो लगनी है वो नहीं लगेंगी। सो सोल्यूबल फाइबर्स हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल, ये जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देते हैं, शुगर लेवल को भी कम कर देते हैं। सो इनसोल्यूबल फाइबर स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस, और जो इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो आपके जो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को जो है वो क्या कर देते हैं, वो बॉडी से रिमूव करने के लिए उनको स्पीडी कर देते हैं, यानी आपको स्पीड से उनको रिमूव कर सकते हो फ्रॉम इंटेस्टाइन। स्पेशली जो कार्सिनोजन आपके पेट में होते हैं वो तो कम से कम आपको ना फूड के साथ बहुत सी ऐसी एडिटिव चीज़ें खाते हो, जैसे फूड कलर्स हो गए और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें जो आपने नहीं खानी पर आप खा रहे होते हो, तो ये जो फाइबर्स होते हैं इनको फ़ौरन से आपके पेट से रिलीज़ करवाते हैं, यानी दे डोंट रियली एग्री के वो आपके ब्लड में चले जाएँ कार्सिनोजेंस। तो डाइटरी फाइबर्स उनको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ और टेक इट आउट, क्योंकि इन्होंने तो जाना नहीं होता ब्लड के अंदर डाइटरी फाइबर्स ने, तो ये उन कार्सिनोजेंस और डेंजरस चीज़ों को भी अपने साथ ले जाते हैं। दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का एक क्वेश्चन। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है जी अगला क्वेश्चन, डिफाइन बैलेंस डाइट, हाउ वुड यू रिलेटेड विद एज, सेक्स एंड एक्टिविटी। बैलेंस डाइट क्या होती है और ये इसका ताल्लुक आपकी उम्र से कैसे है, आप मेल या फीमेल है इससे कैसे है, और आपकी एक्टिविटी यानी आपके काम करने की सलाहियत से कैसे है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर लेट्स से दैट कि आपकी क्या उम्र है, आपको कितना बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट आपको पहले मैं बता देता हूँ बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड एज वन विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ताकि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मली ग्रो करे और उसका जो एक लेवल है वो बैलेंस रहे। सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। स्टूडेंट्स तीन चीजें आपने जो है ना अब इसमें बतानी है कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो आपको रिक्वायर्ड है एज, आपकी सेक्स यानी जेंडर, और एक्टिविटी को लेकर। एक्टिविटी से मुराद है कि आप बूढ़े होते हो तो आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं किसी हद तक एक्टिविटी कम होती है, लेकिन जब आप एक अच्छी एज को पहुंचते हैं पुबर्टिकल एज जिसे हम कहते हैं, तो तब आपकी थोड़ी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, आप बॉडी से ज़्यादा काम ले रहे होते हैं। तो बहरहाल फिलहाल हम बात करते हैं एज की, तो एज के लिए हमने ये कॉलम बना दी है। उसके बाद ये जेंडर की बात करते हैं, तो ये मेल, ये फीमेल और ये मेल का हमने एक कॉलम बना दी है। और इसके अलावा हम यहाँ बात करते हैं आपसे एक्टिविटी की, तो एक्टिव में हमने बता दिया आपको कि कितनी कितनी आपको कैलोरीज चाहिए, मतलब दीज आर द एक्टिविटी कैलोरी जो आप ले रहे हैं, और मॉडरेट एक्टिविटी आप कर रहे हैं यानी इतना काम नहीं कर रहे तो आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, और सेडेंट्री यानी आप सुस्तार हैं, सो रहे हैं तो आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। तो ये सारा लिखा हुआ है। लेट्स से चाइल्ड है एक अभी फिलहाल मेल फीमेल जो भी है 2 से 3 साल का है, तो अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको 1000 कैलोरीज चाहिए, और अगर वो कुछ कर रहा है तो 1400 कैलोरीज तक चाहिए, और अगर एक्टिव भी है तो तकरीबन इतना ही सेम रिजल्ट है। लेकिन फीमेल है लेट्स से वो 4 से 8 साल की फीमेल है तो उसको 1200 कैलोरीज चाहिए, अगर थोड़ी सी एक्टिव है तो 1600 कैलोरीज तक चाहिए, अगर बहुत एक्टिव है तो 1800 कैलोरीज तक चाहिए। और वही फीमेल अगर 14 से 18 साल की हो जाती है तो उसको ज़्यादा एक्टिव है तो उसको 2400 कैलोरीज चाहिए पूरे एक दिन की। तो अगर हम इसी चीज़ को मेल में देखें तो मेल में अगर आप देख रहे हैं तो अगर कोई 4 से 8 साल का बच्चा है मेल है उसको 2000 कैलोरीज चाहिए, और देखें यहाँ पर जो फीमेल थी उसको सिर्फ 1400 कैलोरीज चाहिए थी। और अगर जवान लड़का है यानी कि 19 से 30 साल की उम्र इसकी एज है तो उसको 3000 कैलोरीज तक चाहिए होती हैं, और फीमेल को 19 से 30 तक सिर्फ 2400 कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक कंपैरिजन एज, जेंडर और एक्टिविटी को लेकर। तो ये टेबल आप याद कर लें, तो ये टेबल जो है एक इफेक्टिव आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके उसके बाद जी डिस्क्राइब हाउ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज एंड ओवरटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। यानी बताएं कि प्रोटीन वगैरह जो है अगर आपको कम मिल रहा है इसको मेल न्यूट्रिशन कहेंगे, अगर आपको जो खुराक मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही उसे मेल न्यूट्रिशन कहेंगे, और जो खुराक आपको मिलनी चाहिए वो मिल रही है तो उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। तो लिहाजा मेल न्यूट्रिशन क्या है कि आपको खुराक जितनी मिलनी चाहिए, इसे प्रोटीन मिलना चाहिए, आपको नहीं मिल रहा खुराक में तो आपकी बॉडी उस लिहाज से ग्रो नहीं करेगी, इसे मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। सो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ भी हो जाएगी आपको, यानी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, और मिनरल डेफिशिएंसी यानी मिनरल की कमी हो जाएगी, एंड ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं मोटे हो जाएंगे, ओबीस हो जाएंगे, ओबीस OBESE ओबीस हो जाएंगे, तो ये आपको प्रॉब्लम होंगी, उससे मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। इसके जो आपकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स ये है जी इसका आंसर, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन क्या होती है? मोस्ट कॉमनली मेल न्यूट्रिशन पीपल इधर डू नॉट हैव इनफ कैलोरीज इन देयर डाइट और ईट अ डाइट दैट लैक्स प्रोटीन विटामिन और ट्रेस मिनरल्स। यानी हमें सब खुराक में सब चीज़ें खानी चाहिए, अगर हम सब चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड, वो हमारी मेल न्यूट्रिशन होगी। सो इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन के क्या इफेक्ट्स हैं? मेल न्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम, इम्पेयर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और स्लो थिंकिंग कर देती है, स्टंट ग्रोथ, हमारी ग्रोथ रोक देती है, एंड इफेक्ट्स फैटल डेवलपमेंट और हमारी फीटल डेवलपमेंट, फीटल नहीं बच्चों की ग्रोथ को भी रोक सकती है अगर बच्चों को मिल नहीं रही डाइट। टाइप ऑफ मेल न्यूट्रिशन में सबसे हम पहले बात करते हैं, 3 किस्म का उसने क्वेश्चन किया है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की पहले हम बात कर लेते हैं, दैट इज PEM, फिर उसने बात की मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज MDD, और फिर उसने बात की है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स OIN। तो लिहाजा ये 3 किस्म की मेल न्यूट्रिशन होती हैं, आपको ये तीनों किस्म की मेल न्यूट्रिशन याद रखनी चाहिए। तो लिहाजा प्रोटीन एनर्जी में क्या बात कर रहे हैं कि प्रोटीन एनर्जी जो है प्रोटीन कम हो जाता है आपकी बॉडी में, और आपको एक बीमारी होती है वॉशरकोर, ठीक है। वॉशरकोर में क्या होता है, ये तकरीबन पैदाइश से 12 साल के में बच्चे को होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सही तरह से नहीं लेता अपनी माँ की, और उस वजह से उसको ये बीमारी हो जाती है, और उसकी हाइट वगैरह भी इस हिसाब से नहीं होती और अब नॉर्मल सा वो रहता है। उसके बाद एक बीमारी है दैट इज़ नॉन एज मैरास्मस। मैरास्मस में ये होता है कि जो लिपिड्स वगैरह होते हैं ये 6 महीने तक बच्चों को रहती है, और ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है कि वो बॉडी फैट उसमें नहीं होता, मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं होती और उसका स्केलेटन अपेयर होना शुरू हो जाता है। सो आप ये देख सकते हैं। सो चिल्ड्रन विद मैरास्मस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल टू देयर एज, और छोटे लगते हैं अपनी उम्र से, यानी कि वो 2-3 साल के बड़े बच्चे बन चुके होते हैं लेकिन वो फिर भी छोटे बच्चे लग रहे होते हैं, जैसे 6 महीने के वो बच्चे हैं तो अपनी उम्र से छोटे लग रहे होते हैं। उसके बाद एक और बीमारी है मिलर डेफिशिएंसी डिजीज़। मिलर डेफिशिएंसी डिजीज़ में जो है हम बहुत सी बीमारियों को लेते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 2 बीमारियां जो हैं हम यहाँ पर लेंगे, दैट इज़ गोइटर, गुल्लड़ की बीमारी, और अनीमिया, ये आपके रेड ब्लड सेल्स की कमी है आपके ब्लड के अंदर। तो गुल्लड़ की बीमारी आयोडीन की कमी से होती है, यानी अगर आप खुराक में मिनरल यानी आयोडीन नहीं ले रहे हो तो आपको जो थायराइड ग्लैंड है वो काम नहीं करेगा, थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा, उसमें कैंसर हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी और वो आपका नेक का जो रीजन है वो बहुत मोटा होना शुरू हो जाएगा, तो आपको बीमारी होगी गोइटर। अनीमिया में मैंने आपको पहले भी बताया था, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की एक कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन कैरी नहीं हो सकेगा, तो लिहाजा आपके जो ऑर्गन्स हैं सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अनएडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा जिससे आप पीले पड़ना शुरू हो जाओगे और दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और अगर आप आयरन की खुराक में खा रहे हो तो आपको अनीमिया की बीमारी हो सकती है, लिहाजा ये मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी। उसके बाद एक बीमारी है, आप थोड़े से ज़रा बेकाबू हो गए हैं खुराक को लेकर और बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिया, दैट इज़ नोन एज ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हो और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका होता है और आप बहुत मोटे होना ज़्यादा, मतलब जितना आप खाते हो उतनी एक्टिविटी नहीं करते हो, उतनी एक्सरसाइज नहीं करते हो, उतने अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करते हो। आपको बताया कि 3000 कैलोरीज चाहिए 19 से 30 साल की उम्र में, तो लिहाजा अगर उतनी कैलोरीज आप बर्न नहीं करोगे तो वो सारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट्स वो आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएंगे और आप मोटे दिखना शुरू हो जाओगे। तो लिहाजा इसका हल जो है वो आप थोड़ी एक्सरसाइज करो और विटामिन डी वगैरह भी जो है कर ले, तो आपके इवन बहुत से डिफरेंट ओबेसिटी से आपको बीमारियां भी हो सकती हैं, यानी अगर विटामिन ए आप खा रहे हैं तो आपका भूख बंद हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको कैल्शियम आपके टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट, स्पेशली किडनीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। अब मेल न्यूट्रिशन के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, आप ये देख सकते हो कि कुछ जो स्टारविंग कंट्रीज हैं, स्टारवेशन हो जाएगी, मेल न्यूट्रिशन यानी आप भूखे रह रहे हो, भूख साली चल रही है तो स्टारवेशन कहेंगे इस कंडीशन को। फिर अगर खाना सही नहीं खा रहे हो, प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हो, हार्ट डिजीज हो सकती हैं। फिर अगर वो डाइटरी फाइबर नहीं ले रहे हो खाने में तो वो भी मेल न्यूट्रिशन है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी। तो लिहाजा मेल न्यूट्रिशन की ये 4 बड़ी कॉजेज हैं, स्टारवेशन, हार्ट डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन और ओबेसिटी। बहरहाल ये क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन मैंने सोचा कि आपको मेल न्यूट्रिशन के इफेक्ट्स भी बता दूँ। स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ वुड यू एडवोकेट, आप कैसे बताओगे द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एज अ मेजर फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूट द फेमाइन, यानी अगर फूड प्रॉपरली हर जगह पे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो एक जगह पे कहत आ जाता है, आप इस चीज़ को कैसे बताओगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट बनता है, इसमें मेल न्यूट्रिशन क्या होता है वो बता दिया है, फिर टेरेबल फेमाइन कहाँ पर आए, एथोपियन फेमाइन था और कोरियन, नॉर्थ कोरियन फेमाइन था, वो डेट्स भी बताई हैं, फिर रीजंस भी बताया फेमाइन आखिर आते क्यों हैं। तो अभी इसी सवाल में ये पूछा गया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फूड हो तो फिर ये फेमाइन कैसे आते हैं। तो अचीवमेंट्स ऑफ इन साइंस एनेबल ह्यूमन बीइंग्स टू प्रोड्यूस बेटर फूड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वान्टिटी। सो टुडे द एग्री cultural practices produce more than enough food that can be supplied to everyone on the earth, और इतना food बन रहा है कि हर किसी को food मिल सकता है, but due to the political and administrative problems, कुछ political मसाइल, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मसले ये होते हैं कि मतलब आप मैनेज सही नहीं कर रहे हो, द फूड इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो लिहाजा पूरी दुनिया में फूड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, द रिजल्ट इज दैट देयर इज ऑलवेज अ सरप्लस फूड इन कंट्रीज लाइक अमेरिका में बड़ा फूड होता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम्स हैं उनमें भी फूड बहुत होता है, कनाडा में फूड बहुत है। सो एंड एट द सेम टाइम पीपल हैव नथिंग टू ईट इन कंट्रीज लाइक एथोपिया एंड सोमालिया, यानी कि कुछ इस तरह के मुल्क हैं कि वहाँ पर इतना ज़्यादा फूड है कि ख़त्म नहीं हो रहा, और कुछ ऐसे मुल्क हैं एथोपिया, सोमालिया के वहाँ पर अब फूड है ही नहीं कि वो खा सकें। तो लिहाजा ये अनइक्वल फूड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसा होता है अगर आप प्रॉपरली फूड को डिस्ट्रीब्यूट ना करो। तो दैट इज़ मोर देन इनफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अगर हम 10वें क्वेश्चन की तरफ देखें तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी आपने स्ट्रक्चर भी बताने हैं, फंक्शन भी बताने हैं एलिमेंट्री कैनाल के मेन रीजन्स को लेकर। स्टूडेंट्स ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है लिहाजा आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं और इसके नोट्स आप बना लें, ठीक है। सो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, आप इसके बारे में ये लिख लें उसके बाद मैं आपको ओरल कैविटी की बात बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये आप ओरल कैविटी के बारे में लिख लें। उसके बाद ओरल कैविटी का क्वेश्चन ये किया है कि आपने बताना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ओरल कैविटी का ये आपने बता दिया है। ओरल कैविटी का फंक्शन है कि फूड सिलेक्शन करती है, ये लिख लें आप। और इसके अलावा ये मैकेनिकल डाइजेशन भी ओरल कैविटी करती है, इसके बारे में ये लिख लें। मैस्टिकेशन कहते हैं इसको। और आपकी ये सेमी डाइजेशन भी जो है वो मुंह में शुरू हो जाती है, तो इसके बारे में लिख लें। लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन आपके मुंह में सलाइवा के अंदर शुरू हो जाती है। और फंक्शन ऑफ सलाइवा भी आपको ये पूछ सकता है जी कि फंक्शन ऑफ सलाइवा जो है पूछा गया है बल्कि कि फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या है, तो ये बोलस वगैरह बन जाता है सलाइवा, फिर उसको अंदर लेके जाने में हेल्प करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट फंक्शन होता है स्वेलोइंग। तो लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करनी है। तो स्वेलोइंग जो है वो डेफिनेटली फेरनिक्स के थ्रू हो रही थी, लिहाजा हम फेरनिक्स की बात करते हैं। लिहाजा जो स्वेलोइंग है वो फेरनिक्स की तरफ से हो रही है, तो लिहाजा ये स्वेलोइंग जो है फेरनिक्स वगैरह की तरफ से होती हुई जाएगी। और मसल्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये आपके मसल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो मसल्स जो है ना आपके खाने को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो लिहाजा आप इसको कहेंगे कि ये पेरिस्टालसिस हो रही है। तो यानी फूड अगर आपका नीचे जा रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, तो इसको आप पेरिस्टालसिस कहेंगे। और ये आप तस्वीर भी बना सकते हैं, पेरिस्टालसिस की तस्वीर है कैसे फूड जो है वो धकेला जा रहा है नीचे की तरफ। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके हम स्टमक की तरफ आ जाते हैं। स्टमक आपको पता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। उसमें स्फिंक्टर्स होते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स, और इसके अलावा इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और उसके बाद ये गैस्ट्रिक जूस वगैरह भी बनाने का काम करते हैं। ये आपका स्टमक आ गया है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसकी लेबलिंग है, ये भी आप बनाएं। उसके बाद हम बात करते हैं जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, किस किस चीज़ का वो बना होता है। तो बहुत से डिफरेंट हार्मोन्स, एंजाइम्स और केमिकल जो हैं वो ये निकालता है जो आपका स्टमक होता है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टमक जो है ये चर्निंग का प्रोसेस भी करता है, तो चर्निंग के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और चर्निंग के बाद चाइम बन जाता है। स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं। द ड्यूडेनम, ठीक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ड्यूडेनम, ड्यूजेनम और इलियम पे मुनहसर होता है। पहले ड्यूडेनम के बारे में लिख लें। और ड्यूडेनम के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उसमें जूसेस आते हैं, बायल जूस, पेंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस आते हैं, और यहाँ पर सारे डाइजेशन और मजीद अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद ड्यूजेनम आ जाता है, ड्यूजेनम के बाद इलियम आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपके इसी हिस्से में जो है इलियम होता है, विच इज़ इलियम के अंदर आपको विली मिलेंगे, विलाई आर बेसिकली विलस या विलाई कह लें आप। तो ये आपके फंक्शनल यूनिट्स होते हैं स्टमक के, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के, और ये सारा री अब्जॉर्प्शन करते हैं फूड का। तो फूड सारा एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो इसको आप अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स, इसका भी देख लें कैसे होता है। ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ब्लड के अंदर जा रहा होता है सब कुछ, ये बाय द हेपेटिक वेन। और ये आपका विलस, मैंने एक आपको बना के बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। तो लेट्स टॉक अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट्स अनदर पार्ट, इसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। और इसका फंक्शन जो है पानी को एब्जॉर्ब करना है, बिल्कुल पानी लॉस नहीं करने देता, ये आपकी बॉडी में से पानी सारा रीअब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आपका जो वेस्ट होता है वो सॉलिड वेस्ट होता है। और डेफिकेशन कहते हैं कि जिसम से उन चीज़ों को बाहर निकाल देना जो कि अननेसेसरी हैं, जो डाइजेशन में काम नहीं आई। और स्टूडेंट्स, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है इसके मुख्तलिफ हिस्से भी होते हैं, ये तो ये आप अभी स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें सीकम, कॉलोन और रेक्टम आते हैं। तो ये तीन हिस्से हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के, ये भी आपने याद रखने हैं। सो ये था हमारे सवाल का जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, वैसे मैंने एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो भी कुछ था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप मजीद ग्लैंड्स को भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वैसे लिवर है, लिवर के बारे में लिख दें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दें, आपको तस्वीर नज़र आ रही है लिवर की। इसके अलावा फिर फंक्शंस ऑफ लिवर्स आ जाते हैं, तो आप ये फंक्शंस वगैरह बता सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके क्या क्या फंक्शन है, तकरीबन 8 फंक्शन है। इसके अलावा इसकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। अब ये स्टूडेंट्स तस्वीर है विच इज़ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ये देख लें। फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द ईसोफेगस, फ्रॉम द ईसोफेगस के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड लिवर आपको नज़र आ रहा है, गैल ब्लैडर नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर आप नीचे चले जाएँ, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नज़र आ रहा है आपको, फिर लार्ज इंटेस्टाइन नज़र आ रहा है आपको, फिर रेक्टम नज़र आ रहा है, और ओपनिंग नज़र आ रही है दैट इज़ एनस। सो ये आपका है पूरा एलिमेंट्री कैनाल। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्वेलोइंग एंड पेरिस्टालिसिस। स्टूडेंट्स, ये स्वेलोइंग के बारे में सब लिखा हुआ है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी कर लें। और इसमें ये तीनों डायग्राम्स अगर आप बना लेंगे तो स्वेल्विंग का प्रोसेस प्रॉपरली आप मैनेज कर पाएंगे। और ये एक आखिरी पैराग्राफ है, वो भी लिख लें। देन उसके बाद वी हैव अ पैराग्राफ रिलेटेड पेरिस्टालिसिस, तो पेरिस्टालिसिस के बारे में जो है आप लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स पेरिस्टालिसिस में ये डायग्राम बनाना ना भूलिएगा, राइट। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको नजर आ रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स से आगे ब्रीफली गिव द साइंस एंड सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। ये तीन बीमारियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले डायरिया पे बात करते हैं। डायरिया के आप ये सिम्टम्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर डायरिया क्यों होता है, ये इसकी कॉजेज हैं। उसके बाद ये इसकी ट्रीटमेंट लिखी हुई है और ट्रीटमेंट कैसे होगी डायरिया की, और आखिर में आप डायरिया होने से कैसे बच सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन में आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन के लिख लें। फिर ये कॉजेज हैं कॉन्स्टिपेशन की, और उसके बाद ये ट्रीटमेंट है कॉन्स्टिपेशन की, ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंशन भी आपको नज़र आ रही है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले डिजीज़ की तरफ, विच इज़ अल्सर। और अल्सर की डेफिनेशन ये लिख दी गई है, डेफिनेशन भी अल्सर की समटाइम्स बोर्ड में आ जाती है। और ये आपको कॉजेज नज़र आ रहे हैं, ये कॉजेज लिख लें। और उसके बाद ये आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, अल्सर के क्या सिम्टम्स हैं। उसके बाद ये ट्रीटमेंट है, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद ये प्रिवेंशन आपको बताई जा रही है। तो ये है हमारे पास सारे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। स्टूडेंट्स पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हेल्थ रिस्क इफ वी टेक मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन आवर डाइट। तो अगर हम ज़्यादा फैटी एसिड्स अपनी डाइट में लेंगे तो क्या हो सकता है। तो हमारी जो खून की आर्टरीज हैं वो क्लॉग कर सकती हैं, हमें हार्ट डिजीज हो सकती हैं। तो ये जवाब आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, हाउ कैन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए कम हो जाए तो ब्लाइंडनेस कैसे होती है। तो अगर विटामिन ए स्टूडेंट्स अगर ना हो हमारी, मतलब खुराक में विटामिन ए ना आए, तो हमारे जो रिडॉप्सिन है, जो आंख से देखने वाले सेल्स हैं, वो काम नहीं करेंगे, लिहाजा में ब्लाइंडनेस हो जाएगी। डिम लाइट में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ये, व्हाट विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन बोलस एंड चाइम। चाइम और बोलस में क्या फ़र्क करेंगे। तो बोलस के बारे में लिखा हुआ है, ये आप देख लें। उसके बाद ये चाइम के बारे में भी लिख दिया गया है, ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, व्हाट स्फिंक्टर्स प्ले रोल इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन एंड आउट। तो दो स्फिंक्टर्स होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर और पायलरिक स्फिंक्टर। ये आपके फूड को जब स्टमक में आ जाता है तो इसोफेगस में नहीं जाने देते, और जब ये ड्यूडेनम में चला जाता है तो ड्यूडेनम से वापस स्टमक में नहीं आने देते, ये इनका रोल होता है। उसके बाद पांचवा और आखिरी सवाल है स्टूडेंट्स, स्टमक इज एन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बट इट ऑल्सो स्क्रीट अ हार्मोन। इस हार्मोन भी स्क्रीट करता है। सो व्हाट हार्मोन इट इज इट एंड व्हाट फंक्शन इट परफॉर्म्स। तो याद रखो स्टमक जो हार्मोन स्क्रीट करता है उसका नाम गैस्ट्रिन है, और गैस्ट्रिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक जूस पैदा करने के लिए फंक्शनल है। तो जितना ज़्यादा गैस्ट्रिन हमारा ब्रेन रिलीज करवाएगा ब्लड में, उतना ज़्यादा ही गैस्ट्रिक जूस पेट में पैदा होगा और खाने को वो डाइजेस्ट करेगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, ये वीडियो एक्सरसाइज से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अब अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स इट। वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।